देखिए आप कैसे ये शिक्षक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें शिक्षा संकुल की हैं। पिछले 8 दिनों से अपनी एक मांग को लेकर दिए जा रहे धरने पर कोई सुनवाई नहीं होने के चलते आज शिक्षकों ने मुर्गा बनकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इनकी मांग है सरकार की ओर से व्याख्याता पदों पर पदोन्नति के सेवा नियमों में जो बदलाव किए हैं उन्हें तुरंत लागू कर रोकी गई डीपीसी शुरू की जाए, शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए। कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी इस धरने में जो मांग रखी है नियम को लागू कराने की, आदेश को लागू कराने की, ये जायज है और कला साहब से मिलकर के भी बात करेंगे कि इसको लागू करें ताकि लाखों जो टीचर शिक्षक हैं इनकी पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है, इसको लागू किया जाए। शिक्षा मंत्री महोदय ने एक लेटर पैड पे एक लाइन लिखी है जिसके कारण हमारी डीपीसी प्रक्रिया रुकी गई है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से ये आग्रह करना चाहते हैं कि उस लाइन को हटाकर जो डीपीसी की जो प्रक्रिया है, जो सूची जारी हो चुकी है, उसको तुरंत लागू करवाई जाए और जून माह के अंदर पदोन्नति करवाई जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं सहयोगी लवली फोन लाइन पर। लवली, जब तक ये धरने पर बैठे इनकी मांग अनसुनी गई, लेकिन आज मुर्गा बन जो प्रदर्शन के जरिए बांग इन शिक्षकों ने दी है, क्या वो किसी जिम्मेदार पर्सन की नींद तोड़ पाई? बिल्कुल, जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक आवाज पहुंचाने के लिए इन्होंने आज ये अनूठा प्रदर्शन किया। आमतौर पर शिक्षक जो हैं स्कूल के अंदर जरूर किस्से सुनाई देते रहे हैं कि वो बच्चों को मुर्गा बनाते हैं, जीवन की सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ने की सीख देने वाले ये शिक्षक, लेकिन आज इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के जब 8 दिन से ज्यादा का वक्त यहाँ हो चुका है, सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अनूठे अंदाज में ये प्रदर्शन जो है वो जयपुर में किया है। और इन्होंने सरकार से यही मांग की है कि जो डीपीसी के नियम बनाए गए थे, सरकार ने जो नई शैक्षिक नीति लागू की है उसके तहत प्रमोशन जो है वो किए जाएं ताकि उससे इन लोगों को लाभ मिल सके। कला वर्ग से जुड़े हुए शिक्षक हैं और तो जाहिर तौर पर अपने अपने काम में, कला में ये लोग माहिर माने जाते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे शिक्षक संगठन है उनके कहने के बाद में इस पूरी प्रक्रिया पर शिक्षा मंत्री के द्वारा रोक लगवा दी गई है, क्योंकि जो पुराने शैक्षिक प्रमोशन नियम है वो अलग नियम है और नए जो नियम है उस कायदे के अनुसार अलग अलग रूप से अलग अलग वर्गों के शिक्षक इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो UGPG की समानता को लेकर के ये जो नियम बनाए गए उसी नियम के तहत, नई कैबिनेट की पॉलिसी के तहत ये प्रमोशन की मांग कर रहे हैं और ये सरकार को अपने अंदाज में प्रदर्शन करके बताना चाह रहे हैं कि जो राजस्थान का शिक्षक है वो स्कूल की छुट्टियों के दौरान, अवकाश के दौरान भी जो है शिक्षा संकुल में अपनी मांगों को लेकर के मुर्गा बनकर लवली तमाम जानकारी के लिए। टोंक में माइनिंग विभाग का